लेकिन हमारा विवाह कहाँ होगा ये केवल केवल वो तय नहीं कर सकते, उन्हें हमारी इच्छा भी स्वीकारनी होगी। बस मसला हम यही सुनना चाहते थे, अब अगर तुम्हारे भाई चोगा भोगा तुम्हारा विवाह जबरन अजमेर नरेश से करने की सोचेंगे भी तो हम तलवार खींच लेंगे। तलवार खींचेंगे? भला क्यों खींचेंगे तलवार? और किस रिश्ते से? वो अभी तय नहीं हुआ। चलो राजकुमारी को बताते। चलो जोगा बुका। जोगा भैया बाला की मजाल देखिए, मछला से बात कर रहा है वो भी नैनागढ़ में घुस के। वो देखिए राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, थोड़ी देर आपके भाई आ गए। चलो जोगा भोगा आ गए। जोगा भोगा। हाँ उधर रुको आला, हम यहां लड़ने नहीं आए। महाराज नरपाल केवल आला से मिलना चाहते हैं। उधर बलखान और सुलखान जा सकते हैं। दाऊ इनकी बातों में मत आना, याद है ना अंधेरे में वार करने की फितरत है इन दोनों की। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये मामला केवल महाराज नरपाल और आला का है। भरोसा करो आला को कुछ नहीं होगा। उदल तुम लोग जाओ, हम वहीं मिलते हैं जहां मैंने कहा था। लेकिन दाऊ। उदल मैंने कहा ना जाओ। चलो ये सब क्या है? महाराज ये महोबा का बनाफर राय है, इसने नैनागढ़ में घुस के राजकुमारी से मिलने का दुस्साहस किया और उसे छेड़ रहा था। इसे दंड देना होगा महाराज। महाराज क्या ये लड़का और आपकी बेटी एक दूसरे को जानते हैं? हम नहीं समझते कि ऐसा होगा।
ये सरफिरा अवश्य हमारी पुत्री का पीछा करते हुए यहाँ आया होगा। आप तो जानते हैं महाराज माहिल कि हमारी पुत्री बेहद खूबसूरत है। महाराज मंत्रणा ना करें, इस अपराधी को सख्त से सख्त दंड सुनाए। ये तो बड़ा ही कठिन निर्णय है। यदि हमने इसे दंड दिया तो परमादि देव युद्ध घोषित कर देंगे। और हो सकता है कि हमें कल ही सीमा पर युद्ध के लिए तैयार होना पड़े। हम आपके साथ हैं महाराज। हम तो यहां आपकी बेटी का हाथ मांगने आए थे, लेकिन इस लड़की ने आपकी बेटी को छेड़ा है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। तुम्हें पता है चोरों की तरह दूसरे के राज्य में घुसना एक अपराध है। चोरों की तरह तो हमें गिरफ्तार किया महाराज, मैंने और मेरे भाई ने, आपकी बेटी के आग्रह पे। जोगा पहले कभी नहीं हुआ। पहले वो काम खत्म करो जो सौंपा गया है। जाओ जाके मार डालो उसको। जब जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में चार शीश को काटे उतल की तलवार। करे युद्ध तो ये लो, ये तुम्हारे आदमी तो एक ही फूंक में ढेर हो गए। ये काफी ताकतवर है, हम चार बचे हैं, इन पे काबू पाना काफी मुश्किल होगा। अपनी गड़ी तक खींचना होगा जहाँ पर ये हमारे पीछे आए और फंस जाए। तो फंसाओ इन्हें और खींच के लाओ गड़ी तक। नीचे उनके सिपाही है, सिपाही आने से पहले उन लड़कियों को काबू में ले लो। ये लड़के उन लड़कियों को छुड़ाने जरूर हमारे पीछे आएंगे। चलो चलो।
आप यहाँ अचानक? क्या हुआ परमादी देव, आप किसी परेशानी में? परेशानी तो अब अजमेर नरेश को होगी। जी जी, हर जगह से ये खबर आ रही है कि कल आला उदल और मलखे और सुलखे नैनागढ़ गई, महाराज नरपाल और माहिल के सामने लाशों का अंबार बिछा दिया। इतना डर, इतना खौफ कि नरपाल अमर ढोल भी नहीं निकलवा सके। ये डर अब और फैलेगा, परंतु हमें आप पर गर्व है। इतना लोहा भर दिया है आपने इन बच्चों में कि अगर आज ये इतने साहसी और ताकतवर हैं तो कल क्या होगा? ताला सैयद, चंदेल वंश का भविष्य उज्ज्वल है, उज्ज्वल। आप ये कहने आए हैं? नहीं, हम जानते हैं कि आप ना होश हैं। ताला, देखिए, फूलों को खिलने से रोका नहीं जा सकता, और जब फूल खिलते हैं तो सुगंध फैलती ही, और जब सुगंध फैलती है तो भौरे भी आकृष्ट होते ही हैं। दलहन, इन योद्धाओं का भुजबल छुपाया नहीं जा सकता। देखो, हम पत्रीगढ़ की महारानी है और यह है राजकुमारी, और तुम आहिरों पर हमारे राज्य के बहुत उपकार है, फिर हमें इस तरह से बंदी बनाने का क्या वजह है? पत्रीगढ़ की जय, महारानी जी और राजकुमारी, आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। हमारा निशाना आप नहीं, वो बनाफर राय है जो इन जंगलों को दूषित कर रहे हैं। आपके पीछे वो आ रहे हैं लेकिन वापस नहीं जाए। हम स्वयं आपको पतिगढ़ छोड़ के आए। मलके, सीधा से जा, मैं इधर से जाता हूँ। जा, ठीक है। शायद आप ठीक कह रहे हैं परमादी देव। शायद नहीं, हम सही हैं। आपकी जो भी योजना है ताला सैयद, उसका सबसे अहम हिस्सा यह है कि आला उदल के बल की भनक भी नहीं होनी चाहिए बघेल राय को। जी चंदेल राय, हमने सोचा तो यही था। ऐसा नहीं है कि योजना गलत है दलहन, परंतु जैसा कि हमें कुछ पद और काम ऐसे होते हैं जिनमें आयु नहीं, योग्यता देखी जानी चाहिए, और इस समय महोबा की सेना के लिए, सेनापति के लिए एक ही नाम है, हाल 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 हाल। महोबा का सेनापति चंदेल राय, आला अभी नाबालिग है। हमने अभी अभी तो कहा था ना कि कुछ कार्यों के लिए योग्यता होनी चाहिए, आयु नहीं। और वैसे भी बघेल राय से प्रतिशोध लेने के लिए आपको लश्कर नहीं, सेना चाहिए। तो ले जाइए सेनापति आला की महोबा की सेना और फतेह कर लीजिए बघेल राय को। और यदि सेना कम पड़े तो
भर्ती शुरू करवा दीजिए, हम अपने खजाने के ताले तोड़वा देंगे। महाराज, बघेल राय पर आप इतने वर्षों से तो हमला नहीं कर सके, अभी अचानक इसलिए तलहन कि अब हमें एक ऐसा सेनापति मिल गया है जो मांडो को फतेह कर सकता है, परंतु बस एक ही डर है कि कहीं आला ना ना कर दे। नहीं परमादी देव, हम उसे ना नहीं करने देंगे। आपने हमारी परेशानी हल कर दी, तो फिर बुलाइए आला को। कहां है वो? दुश्मन पे भरोसा नहीं किया जाता, अपने आदमियों से कहो हथियार फेंक दे, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। मलखान, इनको लेके जाओ। हिलना नहीं। Oh,